दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका मेरे चैनल होम्योपैथिक उपचार पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई मेडिसिन एलियम सिपा के बारे में। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एलियम सिपा दवा बनती है प्याज से, और प्याज में जो जो गुण होते हैं, अगर आपने प्याज कभी काटा हो तो आपने देखा होगा प्याज काटने के बाद में क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। आप अगर प्याज काटते जाइए तो आप देखेंगे कि आपको नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, आँख से पानी आना शुरू हो जाता है, जुकाम जैसी फीलिंग हो जाती है, सिर में दर्द, भारीपन होने लगता है। तो जब एलियम सिपा दवा की प्रूविंग की जाती है दोस्तों, तो ये सारे सिम्टम्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस होते हैं। और होम्योपैथी का सिद्धांत ही आप लोग जानते ही हैं कि जो दवा जैसे लक्षण प्रोड्यूस करती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे, वैसे ही लक्षणों को जब वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सही भी कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिवस क्यूरेंटर। ये इसका मूलभूत सिद्धांत है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों एलियम सिपा के बारे में। तो एलियम सिपा का अगर आप देखें तो एलियम सिपा के रोगी का जो लक्षण होता है, और हम जिस रोगी को लक्षण देते हैं ये दवा देते हैं, वो ज़्यादातर मिलता जुलता है यूफ्रेसिया के साथ में। क्या होता है इसमें कि नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है। अब नाक से पानी आना, आँख से पानी आना तो यूफ्रेसिया में भी है, फिर अंतर क्या है दोस्तों? अंतर ये है कि जो नाक से पानी आता है वो एक्रिड होता है, लगने वाला होता है, जहाँ त्वचा पर लगता है छील देता है। और जो आँख से पानी आता है वो होता है ब्लैंड। ब्लैंड मतलब क्या होता है कि कहीं लगता नहीं, जलन पैदा नहीं करता है। और यूफ्रेसिया में इसका ठीक उल्टा होता है। यूफ्रेसिया में क्या होता है कि यूफ्रेसिया से जो आंख से पानी डिस्चार्ज निकलता है वो होता है एक्रिड, जलन पैदा करने वाला, और जो नाक से पानी निकलता है वो होता है प्लेन, या इसको बोलते हैं ब्लैंड, तो वो कहीं लगता नहीं है। तो ये अंतर है बेसिकली यूफ्रेसिया और एलियम सिपा का। और दोस्तों एक और खास बात है कि एलियम सिपा की जो तकलीफ होती है वो अक्सर शाम को बढ़ जाती है, और कमरे के अंदर अगर है पेशेंट तो उसको तकलीफ होती है। पेशेंट चाहता है कि कमरे के बाहर चला जाए, खुली हवा में चला जाए, तो उसको आराम मिलता है। ये एलियम सिपा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है ड्यूरिंग कोल्ड कुरैजा के केस में, सर्दी जुकाम जो हो जाता है उस केस में। तो ऐसे पेशेंट को जब आपको कोई दिखता हो तो आप उसको एलियम सिपा देंगे, बहुत बढ़िया। एलियम सिपा का एक बड़ा खास सिम्टम है, एक बड़ी खास उसका यूज है, वो है न्यूरलजिक पेन पे। जब भी स्नायविक या जिसको न्यूरलजिक पेन बोलते हैं दर्द हो, और वो जिस भी कारण से हो, तो आप ऐसे पेशेंट को अगर आप एलियम सिपा देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये हम लोग जो चप्पल पहनते हैं, तो चप्पल पहनने के बाद क्या होता है कि कभी कभी पैर कट जाते हैं, है ना, चप्पल की वजह से या घिसने की वजह से, जहाँ पर उसका डोरी रहती है रबड़ की, चलना अगर लंबा चलना पड़ा तो घिस जाता है, कभी फफोले पड़ जाते हैं उसमें। ऐसे केस में क्या होता है कि जो वहाँ की नर्व्स की इंडिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, और वहाँ पे दर्द, जलन, पानी पानी जैसा आना, ये सब शुरू हो जाता है। और ऐसे केस के एलियम सिपा बहुत बढ़िया दवा दोस्तों, किसी को आप दे सकते हैं, खुद हो ले सकते हैं, बहुत बढ़िया फायदा करती है। इसके अलावा कभी भी आफ्टर ऑपरेशन करने के बाद देखिए तो न्यूरलजिक पेन, चूंकि होता क्या है कि अक्सर कहीं कहीं कट पिट जाता है, नर्व्स स्किनिंग डैमेज हो जाती है, तो उस केस में भी एलियम सिपा बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। जबकि स्टेफेसेग्विया भी बहुत बढ़िया काम करती है, कट ऑपरेशन के बाद या कट जाने के बाद कहीं पे किसी ब्लेड जैसी पत्ती चीज से कट जाए तो, और जबकि उसकी एंडिंग अगर डैमेज होती है तो वहाँ पे एलियम सिपा बहुत अच्छा। दोस्तों बड़ी सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जैसे सलाद खाने से, कुकुम्बर खाने से, खीरा खाने से, या पैर भीग जाने की वजह से अगर कई सारी बीमारियाँ होती हैं, तो अगर इन सारे एलिमेंट्स की वजह से कोई तकलीफ उनको हो रही है तो वैसे केस के लिए एलियम सिपा द बेस्ट मेडिसिन। दोस्तों एलियम सिपा बेसिकली लेफ्ट साइड की मेडिसिन है, कोई भी तकलीफ अगर बाएं तरफ हो, बाएं तरफ से दाएं तरफ जाए, तो एलियम सिपा ऐसी केस में दी जाती है। दूसरी खास बात क्या है कि ये नेजल पॉलिप हो स्पेशली लेफ्ट साइड का, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करती है। साथ ही साथ में अगर कोई भी तकलीफ कमरे के अंदर हो, सिर में दर्द है, गर्म कमरे के अंदर है तकलीफ,
ठंडे कमरे या कमरे के बाहर जाने पे, खुली हवा में जाने पे आराम मिल जा रहा हो। तो ऐसे केस के लिए एलियम सीपा पेशेंट की एक बड़ी खास बात होती है कि ये पेशेंट कच्चा प्याज खाना चाहता है, क्योंकि दवा प्याज से बनी हुई है। तो जब भी ऐसे तकलीफ होती है तो उसको कच्चा प्याज खाना अच्छा लगता है। दूसरी बात कि इसका जो पेन होता है, न्यूरलजिक पेन होता है, थ्रेड लाइक पेन होता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि लैरिंग्स में लैरिंगजाइटिस हो जाती है, सूजन हो जाती है, वहाँ पे कांटा चुभने जैसा दर्द होता है, ठीक है। और ऐसे केस के लिए बहुत बढ़िया दवा होती है एलियमसी। आपने ऐसा देखा होगा कि बड़ी बार सर्दी लगने की वजह से या ठंड लगने की वजह से बच्चों को सर्दी पकड़ती है और वो कान में दर्द होने लगता है और कान का दर्द गले तक चला जाता है। तो ऐसे केस के लिए बहुत बढ़िया दवा है एलियमसीपा। डॉक्टर केन कहते थे कि बच्चों के कान के दर्द के लिए पल्सरटीला, कैमोमिला और एलियमसीपा, ये तीन दवाएं बहुत बढ़िया काम करती हैं। फास्फोरस, थूजा, पल्सा, सारसापेरिला की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, मतलब उन सारी दवाओं के एक्शन को ये पूरा करती है या इसके एक्शन को ये दवाएं आगे तो एलियमसीपा पेट दर्द की भी बहुत अच्छी दवा है। वो पेट दर्द जो भीगने की वजह से हो या ठंड लगने की वजह से हो, तो वैसे केस के लिए या कुकुम्बर खाने से हो, खीरा खाने की वजह से हो, तो ऐसे पेट दर्द के लिए या गैस बन जाए इन सारी चीज़ों की वजह से, बारिश में भीगने की वजह से पेट में दर्द हो, तो ऐसे केस के लिए एलियमसीपा बहुत बढ़िया दवा है। अब हम बात करें कि जैसे बारिश में भीगने की बात, तो बारिश में भीगने की वजह से एलियमसीपा तो है, साथ में रस्टॉक्स को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, आरटी। ये दोनों दवाएँ आप कंपेयर करेंगे बारिश में भीगने की वजह से, अगर सर्दी जुकाम हो या कोई और तकलीफ हो, तो ऐसे की तकलीफें हैं वो गर्म कमरे के अंदर बढ़ जाती हैं। कमरा अगर ठंडा है तो आराम मिलता है, खुली हवा में आराम मिलता है, और कि गर्म कमरे के अंदर शाम के वक्त में तकलीफें इसकी बढ़ जाती हैं। दोस्तों आज हमने बात की एलियमसीपा के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत।